धर्मशाला के पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने अपनी बतौर सांसद और पूर्व विधायक पेंशन छोड़ने का ऐलान किया है। वहीं न्यू पेंशन स्कीम के तहत आए लाखों कर्मियों के हितों को देखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए डॉक्टर राजन सुशांत 5 सितंबर को जिला मुख्यालय धर्मशाला में डीसी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना देंगे। एनपीएस कर्मियों के हितों की आवाज को बुलंद करेंगे। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए वे आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न राजनीतिक दलों, सभी कर्मचारी संगठनों से समर्थन का आह्वान किया है। राजन सुशांत ने कहा कि इसी कड़ी में उन्होंने डीसी कांगड़ा के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र भेजा है, जिसमें एनपीएस कर्मियों की मांग को उठाया गया है। राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश में 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 90,000 से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जो कि एनपीएस के तहत आते हैं। एनपीएस के तहत लिए गए कर्मियों को उनके अंतिम वेतन की 5% पेंशन दी जा रही है, जबकि पुरानी पेंशन ले रहे कर्मियों को एनपीएस कर्मियों से 50 गुना अधिक पेंशन दी जा रही है। उन्होंने पीएम को पत्र में लिखा कि एक संविधान एक विधान के नियम को कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए। यही नहीं, जब से एनपीएस लागू की गई है उसी अवधि से इसे सांसदों व विधायकों पर भी लागू किया जाए तथा उन्हें भी एनपीएस कर्मियों की तर्ज पर ही पेंशन दी जाए। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि भाजपा सरकारें कर्मचारी विरोधी रही है और कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। देश में अकेले वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है जिसने एनपीएस को लागू नहीं किया है। न्यू पेंशन स्कीम और उससे उत्पन्न समस्याएं। मित्रों, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 लाख कर्मचारी सेवारत हैं और 1.5 लाख कर्मचारी पेंशन भोगी है। 2003 में भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2004 से जो जो भी कर्मचारी सरकारी सेवाओं में आए हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन बंद कर दी गई है और न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है। ये नोटिफिकेशन 2008 में भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू हो गई थी और हिमाचल राज्य में लागू तो 2004 में नहीं हुई, लागू बाद में हुई, लेकिन बैक डेट से लागू कर दी गई। ये दुर्भाग्य था। पिछले दिनों में मेरे पास एनपीएस के पदाधिकारी मिले थे, नेता मिले थे, उन्होंने मेरे ध्यान में ये सारी बात लाई और मैं उनकी बात को सुन के स्तब्ध रह गया हूँ, हतप्रभ हो गया हूँ, हिल गया हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जिस कर्मचारी को 50,000 रुपया सैलरी मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पर, उसको 50% अर्थात 25,000 रुपया पेंशन मिलता है महीने का, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में उसको 25,000 के बजाय केवल मात्र 2,500 रुपया मिलेगा, अर्थात पिछली पेंशन का 10%, पिछली सैलरी का, पेंशन और सैलरी की जो समस्या खड़ी हुई है 5% सैलरी का उनको पेंशन मिलेगी। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं प्रदेश के ऐसे लगभग 1 लाख कर्मचारी जो न्यू पेंशन स्कीम में आ चुके हैं उनको भूखे नहीं मरने दूंगा। अब ये मैंने संकल्प ले लिया है, इस मुद्दे को मैंने अडॉप्ट कर लिया है और मेरा संकल्प है कि मुद्दा हल करा के छोड़ूंगा। मैं आज धर्मशाला, जिसको हम दूसरी राजधानी कहते हैं, यहां से बड़ी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूं और प्रधानमंत्री जी को भी कह रहा हूं। आज मैंने एक पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिख दिया है, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को भी लिख दिया है,
आदरणीय हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी को भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जो कि आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष को भी, हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार को भी, डायरेक्टर ट्रेजरी को भी, और जहां हमें पेंशन मिलती है विधानसभा की यूको ब्रांच के चीफ मैनेजर को भी। और ये मैं पत्र जो है वो डिस कांगड़ा को अभी ज्ञापन दे के आया हूं, और मैंने उनको कहा है कि ये आज ही अभी निकल जाना चाहिए, ये सारे पत्र भेज दिए गए हैं। मैंने प्रधानमंत्री जिस भी आग्रह किया है वो पत्र भी आज मैं रिलीज करने वाला हूं। अर्थात अगर 2003 के बाद और 1 जनवरी 2004 से जो कर्मचारी भर्ती हुआ है उस पर आप न्यू पेंशन स्कीम का रूल लगाते हैं, तो 1 जनवरी 2004 से और उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में जो जो भी सांसद चुन के आए हैं, जो जो विधायक चुन के आए हैं, उन पर भी एनपीएस ही लागू होना चाहिए। और मैंने कहा है कि हालांकि मैं इस कैटेगरी में नहीं आता हूं, मैं 1982 में पहली बार एमएलए बना था, मैं 1982 के बैच का एमएलए हूं, मेरे ऊपर ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू होती है। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि मामला बड़ा गंभीर है, ये हल होना चाहिए, 1 लाख लोगों के परिवारों की जिंदगी से जुड़ा है, नहीं तो भूखे मरने की नौबत में है, इसलिए मैंने ओल्ड पेंशन स्कीमें होते हुए भी न्यू पेंशन स्कीम के तहत अपने आप को डाल दिया। और मैंने कहा है जब तक 1 लाख इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तब तक मैं अपनी विधायक के तौर पर भी और सांसद के तौर पर भी मैं दोनों पेंशन छोड़ रहा हूं, बंद कर रहा हूं, मैं नहीं लूंगा।